हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वर्ष काल के बारे में दो वीडियोस अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने मोबाइल से जो डिलीटेड फाइल है, जो कि आपकी तस्वीरें हैं जो डिलीट हो जाती हैं बाई मिस्टेक, या किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और वो उन्हें डिलीट कर देता है, तो आप उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें या कुछ फोटोज ऐसी भी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं और आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल को उनको दोबारा लेके आए। तो मोबाइल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप यूज़ करके अपने मोबाइल से फोटोज वापस लेके आए। इसके लिए हम एक एप्लीकेशन का जो है इस्तेमाल करेंगे, जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गैलरी में मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं उसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और फिर इसी तस्वीर को हम रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो सर्च बार है उसमें यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क डिगर। आप देख लें यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है डिस्क डिगर। उसके बाद जो सबसे ऊपर ऑप्शन है जो कि डिस्क डिगर फोटो रिकवरी है, आप उस पर क्लिक करें, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वो डिस्क डिगर प्रोफाइल के लिए है, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि अपनी तस्वीरों को फ्री में वापस लेके आए, तो हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ओपन हो चुका है, और यहाँ देखिए इसको 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और 3.1 इसकी जो रेटिंग है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इस फाइल का साइज 1 MB से भी कम है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया और फाइल डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो डिस्क टेकर है हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कुछ नज़र डालते हैं कि इसमें आखिर है क्या, कैसे हम इससे रिकवर कर सकते हैं अपने डेटा जो कि तस्वीरों वाला है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है बेसिक स्कैन नो रूट। तो दोस्तों, कुछ मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती हैं उनके लिए आपका मोबाइल रूटेड होना लाजमी होता है, जैसे कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह की कुछ एप्लीकेशन वगैरह होती हैं जिनके लिए आपका मोबाइल रूटेड होना लाजमी है। तो इसके नीचे लिखा है स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन, और यहाँ पर फुल स्कैन के लिए आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर फुल स्कैन नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर जस्ट अपनी तस्वीरें हैं उनको रिकवर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम रूट जो वाला ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम जो नो रूट का है उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो रूट आखिर है क्या, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपको मोबाइल रूट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स में मिले कहा है कि रूट कैसे करते हैं, या रूट होना लाजमी है, या रूट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आता है। तो इसके दोस्तों फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूट करते हुए अगर आपका मोबाइल स्टक हो गया या रूट वाली फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपका मोबाइल रूट होना लाजमी है या उसको करना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो है वो भी अपना जो फोटोज है उसको रिकवर करने का बारे में है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट बेसिक स्कैन पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन और यहाँ पे ये लो पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, इसने अपनी स्कैनिंग है उसको स्टार्ट कर दिया है और हमारे पास जो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जो फाइल्स हैं, देखिए अभी यहाँ पे उसने स्कैन कर दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो स्कैनिंग है उसको कंप्लीट कर चुका है, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों देखें, ये मैंने जितनी भी अपनी
मोबाइल से तस्वीरें जो मैंने डिलीट की थी वो मेरे सामने शो कर रहा है। देखें यहाँ पे जो मैंने अपनी तस्वीर अभी डिलीट की थी उसको मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो जस्ट उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपको कोई और तस्वीर चाहिए होगी अपने मोबाइल पे, आप उसके ऊपर क्लिक करें। अगर सारी चाहिए तो आप यहाँ से उसको, यहाँ पे साइड बार है जो, उसको क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जस्ट एक तस्वीर चाहिए थी, मैं उसी पे क्लिक करके टिक मार करके यहाँ पे जो ऊपर रिकवर लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर है वो कह रहा है कि आपने इसको कहाँ पे आप सेव करना चाहेंगे, कहाँ पे आप इसको रिकवर करना चाहेंगे। तो सबसे ऊपर है लिखा है गूगल ड्राइव में करना चाहेंगे, और उसके नीचे जो जो सेकंड ऑप्शन है उस पर लिखा है सेव द फाइल टू ए कस्टम लोकेशन। तो हम उसके नीचे जो है वो FTP सर्वर पे लिखा है, तो हम इसके जो सेंटर में ऑप्शन है सेव द फाइल उस पर क्लिक करेंगे। और ये अभी आपसे पूछ रहा है कि लोकेशन आप उसको कहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे DCIM पे क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ पे कैमरा में क्लिक करके जस्ट ओके कर दें। ठीक है, अभी ये देखिए हमारे पास वो सेव हो चुकी है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसको अपग्रेड करना है प्रो वर्जन, तो आप इस पे नो थैंक्स पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ इसकी सेटिंग के बारे में, कि यहाँ पे आप सेटिंग चेक कर सकते हैं, अपनी डेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी डेट से सर्च करना चाहते हैं, कौन सी डेट तक। और यहाँ पे आप ऊपर इसका जो साइज वगैरह है वो भी चेक कर सकते हैं, आपको स्मॉल मीडियम लार्ज या किस साइज में अपनी फोटोज जो है उसको रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस जाते हैं और दोबारा जो गैलरी है उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास वो तस्वीर आ चुकी है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट किया था। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कुछ मसला हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो और आपकी तस्वीरें आपके मोबाइल से डिलीट हो चुकी हो, तो आप ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लें, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, और मैं वही बताता हूँ जो खुद यूज़ कर लूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा मसला इसमें आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बात होगी तो अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।